हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मनु भंडारी जी की लिखी हुई बहुत ही ज़बरदस्त कहानी कील और कसक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही कैलाश ने आकर बताया कि नया मकान मिल गया है, रानी के मन को जैसे ठेस लगी। उसने कहा, तुम तो किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो, अब दूर मकान लेकर कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, यह भी सोचा है? रात दिन तुम्हें प्रेस में रहना पड़ता है, यहाँ थे तो जब चाहा ऊपर चढ़ाए, और मुझे भी तसल्ली रहती थी कि नीचे ही हो, दूर मकान लेकर यह काम कैसे निभेगा? तुम्ही ने तो अभी 4 दिन पहले रो रो कर घर भर दिया था कि तुम अब एक घड़ी भी इस मकान में नहीं रहोगे। मेरा क्या है, जैसे भी होगा निभा लूँगा। गुस्से में कह ही दिया तो उसका क्या, मुझे नहीं बदलना मकान, साल भर यहाँ रहते रहते सबसे जान पहचान हो गई, अब कहाँ नई जगह जाकर रहूँगी। जान पहचान, सारे दिन तो लड़ती रहती हो, न लाज न हया, मेरी तो नाक कटवा कर रख दी तुमने, अब तो तुम लाख कहो मैं एक दिन भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। रानी रो पड़ी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दो, अब मुँह भी खोलूँ तो तुम्हारे सर की कसम। मैं कह रहा हूँ उठकर सामान बांधना शुरू करूँ, कल जैसे भी हो हमें नए मकान में चले जाना है। और कैलाश धड़धड़ाता हुआ नीचे चला गया। रानी का मन जाने कैसे अवसाद में डूब गया, वह पंखी लेकर चारपाई पर लेट गई, चाहकर भी सामान नहीं बांधा गया। सामने शेखर का कमरा था, वह उसी ओर देखती रही। परसों जो कुछ कांड हो गया उसका परिणाम इतना भयंकर निकलेगा, यह जानती तो अपने मन को काबू में कर लेती। शेखर लाख बुरा हो फिर भी, और उसकी आंखें भीग गई, आंसू भरी आंखों के आगे न जाने कितने धुंधले चित्र बिगड़ने लगे। साल भर पहले जब वह ब्याह कर इस घर में पहुंची थी तो अरमानों की आंधियां उसके मन में मचल रही थी। चढ़ती जवानी और चांद को शर्माने वाले रूप ने सुहाग रात की कल्पना को और अधिक चटकीला रूप दे दिया था। औरतों के बीच वह घिरी बैठी थी, पर मन उसका इस सारे कोलाहल को पार कर दोपहर की उबा देने वाली इस नीरस लंबी घड़ियों को पीछे छोड़ रात के उस मदिर पहर की ओर दौड़ दौड़ कर जाता था, जब कोई बड़े दुलार से उसका घूंघट हटाकर अपने रोम रोम को आंख बनाकर उसके रूप को निहारेगा और प्रशंसा के पुल बांधकर दो अपरिचित हृदयों की दूरी के अस्तित्व को ही मिटा देगा। यह कल्पना यहाँ बैठे बैठे भी उसके गालों को सुर्ख बना देती और एक मादक सी सिहरन उसके सारे शरीर में दौड़ जाती। उसको लगता उसका अंग अंग जैसे बेकाबू हुआ जा रहा है। अपने पति की सूरत की सौ सौ काल्पनिक नक्शे उसकी आंखों के आगे दौड़ जाते, कैसे होंगे वे? और प्रश्न के साथ ही वह कल्पना में डूबने उतराने लगती। जब बारात चढ़ी तो बड़ा मन हुआ था उसका कि सहेलियों के साथ वह भी छज्जे पर चढ़कर अपने प्रियतम की एक झलक तो देख ले, पर दादी बुआ के बीच गिरी वह वहाँ से हिल भी न सकी। उसकी उत्सुक आंखें लौटकर आई हुई सहेलियों पर टिक गई, पर वह इतना कुछ न जान पाई जिसका सहारा लेकर मन के कौतूहल को मिटा पाती। हाँ, इतना उसने अवश्य सुना कि पति उसके काले हैं, दादी कह रही थी, अरे मर्दों का क्या रूप देखना, और फिर रंग का क्या, क्या काला क्या गोरा, रानी खाने पीने की सार रखेगी तो रंग भी निखर जाएगा, कमाबे तो 300 है, भाग जाग गए रानी के, बस रानी बनकर ही रहेगी, फिर परिवार का टंटा नहीं, सास है तो गांव में, बस दोनों मौज करेंगे। और रानी बनकर मौज करने की इस कल्पना पर ही तो रह रहकर उसका मन थिरक रहा था। धीरे धीरे रस्म रिवाज, देखना दिखाना, खाना पीना, निंदा आलोचना का दौर समाप्त हुआ और घड़ी ने 10 बजा दिए। अपने कमरे में सजी सवरी रानी के मन का बिखरा बिखरा उल्लास प्रतीक्षा में बदल गया। हल्की से हल्की आहट पर भी उसका मन गुदगुदा उठता और नेत्र घूंघट के झीने आवरण को चीरकर कुछ खोजने लगते। करीब 11 बजे सास आई। अरे अभी तक नहीं आया कैलाश, हद करे है ये भी, आज के दिन तो परेश का काम छोड़ दिया होता, विचित्र आदमी है, बड़ा ही साधु, अपने सुखाराम की तो इसे रत्ती भर भी परवाह नहीं, लाओ मैं ही बुला लाऊं। और वे धीरे धीरे जीना उतरने लगे। इस विचित्र आदमी के साधु तत्व ने रानी के आक्रोश को इस हद तक बढ़ा दिया था कि उसकी इच्छा हो रही थी कि वह रो ले, पर
पर तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया। रानी की पलकें झपक गई इस आशा से कि जल्दी ही कोई होले से आकर उसका घूंघट हटा देगा और फिर वह अपने लाज भरे चेहरे को छिपाने के लिए बेसुध सी किसी के सीने का आश्रय ले लेगी। पर तभी एक रूखी कर्कश सी ध्वनि ने उसकी कल्पना के आवरण को बुरी तरह चीर डाला। इतनी देर जागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेरा तो काम ही ऐसा है, आज भी माँ ज़बरदस्ती बुला लाई, अब सवेरे तक सारा काम ख़त्म नहीं हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। और वह रानी के अस्तित्व को भूलकर सो गया। रानी को लगा वह अपने पास सोए इस आदमी का मुंह नोच ले, अपने बाल नोच ले। फूट फूट कर रो पड़े और आंसुओं से सारे घर को और नीचे ही निरंतर धड़धड़ करने वाले इस प्रेस को डुबा दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और खामोशी से आंसू बहाते और सर्द आहें भरते भरते रानी सो गई। दूसरे दिन ही घर अपनी असली स्थिति में आ गया। बड़ा कमरा जो उस घर का सबसे शानदार कमरा था पड़ोसियों को लौटा दिया गया। विवाह के लिए वह मांग लिया गया था। दो नौकर और एक महाराज जो कल दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे अपना अपना हिसाब लेकर चलते बने। रह गए घर में तीन प्राणी, एक कमरा, एक छोटी सी कोठरी और एक छोटी सी रसोई। घर के नीचे प्रेस था और ऊपर के तल्ले में मकान मालिक रहते थे, बीच के तल्ले में तीन किरायेदार रहते थे। सारा वातावरण काफ़ी घुटा घुटा था और प्रेस की लगातार धड़धड़ की आवाज़ एक अच्छे भले आदमी के सर में दर्द करने के लिए पर्याप्त थी। सास खाना बनाने बैठी तो मजबूरन उस धुएं से घुटी रसोई में रानी को भी जाना पड़ा। एक बार के आग्रह से ही सास चूल्हा छोड़कर दरवाजे पर बैठकर बहू को घर के रंग ढंग से परिचित कराने लगी, सारा कामकाज समझाने लगी। उस अंधेरे चौके में देखने की सुविधा के विचार से रानी ने घूंघट कम कर दिया था। सास ने सबसे पहले उसी को लेकर आदेश दिया, सिर का पल्ला जरा नीचे रखा करो बहू, 50 तरह के लोग यहाँ आवे जावे हैं, फिर कैलाश को बेशर्मी पसंद भी नहीं। अब तुमसे घर का क्या छिपाना, कैलाश पर 12,000 का कर्जा है, जाने कैसी मनोज घड़ी में यह कुकर्म हुए उससे। अब तो बेचारा दिन रात एक एक करके पैसा कमा रहा है, न खाने की सुध है न पीने की, किसी तरह शादी को राजी नहीं हुए था, कौन एक प्राणी का खर्च बढ़ाए, पर मैंने ही जोर जबरदस्ती करके शादी करवा दी, आखिर कोई खाने पीने का ख्याल रखने वाला भी तो हो। मैं तो खाना बन गया अम्मा जी, अम्मा की बात का स्रोत टूट गया। एक अपरिचित को सामने देखकर रानी ने घूंघट और खींच लिया। हाँ हाँ बन गया, आओ बेटा बैठो, अब मैं 2-3 दिन में गांव चली जाऊंगी, तुम और तुम्हारी ये भाभी मिलकर कैलाश का ख्याल रखना बेटा। बड़ा विचित्र आदमी है, बहू एक थाली तो लगा दो, ये सामने वाले कमरे में रहे हैं और यहीं खावे हैं। रानी ने घूंघट में ही झांक कर देखा, एक सुंदर आकृति उसी की ओर देख रही है। वह अंदर ही अंदर सकुचा गई, उसे लगा सामने वाले पुरुष की आंखें जैसे उस घूंघट को चीरकर उसके चेहरे को निरख रही है। उसने थाली लगाकर सरका दी, अम्मा भाभी से कह दो मुझसे पर्दा न करे, तुम भी नहीं रहोगी और ये यूं लाज की छुई मुई बनी रहेंगी तो मुझसे खाते नहीं बनेगा, तुमने बेटा माना तो क्या ये देवर ने मानेंगी। रानी को लगा कोई है जो उसका चेहरा देखने को व्याकुल है और एक अव्यक्त सी इच्छा उसकी रगरग में समा गई कि वह घूंघट उलटकर अपना चांद सा मुखड़ा उसके सामने कर दे। पर वह वैसे ही रोटी बेलती रही, वाह खाना तो भाभी बहुत बढ़िया बनाती है, अरसे से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया अम्मा। रानी का प्रशंसा का भूखा मन पुलक उठा, हाथों की गति बढ़ गई और एक बार उसने संकोच से सामने बैठे व्यक्ति पर उड़ती सी नज़र डाली, भरा पूरा स्वस्थ सुंदर चेहरा और तभी उसके सामने मुहासों और चीचक के दाग से भरा एक काला सा चेहरा उभर आया। उसके हाथ फिर शिथिल पड़ गए, खाना खाकर वह चला गया। अम्मा बोली, 25 रुपये महीना देवे है और दोनों समय खाना खावे है, अकेला जीव है बड़ा भला है, इसे ठीक से खिला दिया करो, कैलाश तो सदा ही काम में रहे हैं सो यह कभी कदाज काम भी कर दिया करेगा। 2 दिन बाद अम्मा चली गई, रानी के लिए जिंदगी पहाड़ हो गई। वह अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ी चिक पर खड़ी होकर देखा करती, ठीक सामने शेखर का कमरा था, ढेर किताबें सब अस्त व्यस्त। शेखर को देखकर उसका मन कैसा कैसा होने लगता, खाना खाने जब वह आता तो बड़ा आग्रह करता
घूंघट खोलने का, बड़ी प्रशंसा करता उसके खाने की। धीरे धीरे कब रानी का घूंघट खुल गया और खाने की प्रशंसा रूप की प्रशंसा में बदलकर उसके अतृप्त मन को तृप्त करने लगी। वह स्वयं नहीं जान पाई। कैलाश के स्वभाव की रुखाई को वह शेखर की सरसता के सहारे ही बर्दाश्त करने लगी। सवेरे शाम शेखर बाहर रहता और सारे दिन घर। धीरे धीरे वह अपने कमरे की अपेक्षा रानी के कमरे में रहने लगा। वह उसको अपनी कविताएं सुनाता, कहानियां सुनाता। रानी चाहे कुछ समझती या नहीं, पर शेखर की हर बात में बड़ा रस लेती। उस दिन सवेरे बड़ा शोर मच गया। अचानक नल बंद हो गए। सब लोग नीचे नल पर पानी लेने को दौड़ पड़े, क्योंकि नीचे पानी 10 बजे तक ही आता था। रानी भी बाल्टी लेकर पानी भरने पहुंची। भरी बाल्टी लिए वह ऊपर चढ़ आई, पर जाने कैसे साड़ी पैर में उलझ गई और वह गिर पड़ी। बाल्टी से उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। कैलाश प्रेस जाने के लिए नीचे उतर रहा था। एक तो उसे यूं ही देर हो गई थी, दूसरे रानी का इस प्रकार सबके बीच गिर पड़ना। देखकर उसे क्रोध आ गया। झल्ला पड़ा वह, देखकर क्यों नहीं चलती हो? अब जाकर कपड़े बदलो। गीले कपड़े पहने यहाँ सबके सामने क्यों बैठी हो? और वह धड़धड़ाता हुआ उतर गया। उसके जाते ही शेखर आया, हाथ पकड़कर उठाया। खून देखते ही बोला, अरे यह क्या, तुमने तो उंगली काट ली। और झट जेब से रुमाल निकाल उसने बड़े दुलार से उसके हाथ में बांध दिया। प्रेम से बांधी गई उस गांठ में अनायास ही रानी का हृदय भी बंद गया। 2400 घंटे प्रेस की मशीनों के बीच काम करते करते कैलाश स्वयं एक मशीन बन गया था, भावहीन, रसहीन। उसे न रानी में दिलचस्पी थी, न घर में। कर्ज का भूत कोड़े लगा लगा कर उससे काम करवाता था। शहर में प्रदर्शनी हो रही थी। रानी ने कितनी ही बार कैलाश से कहा, एक दिन मुझे प्रदर्शनी दिखा लाओ ना, देखो ना पड़ोस की सारी औरतें देख आई, तुम भी किसी के साथ चली जाती, मुझे तो समय नहीं है सैर सपाटे के लिए। वे अकेली कोई जाती हैं जो चली जाती, सब अपने अपने मर्दों के साथ जाती हैं। फिर कुछ रुक कर बोली, तुम कहो तो शेखर के साथ चली जाऊं। दूसरी औरतों के मर्दों के साथ जाते तो तुम्हें अजीब लगता है, और शेखर के साथ अकेले जाते शर्म नहीं लगती? स्वर में कुछ तीखापन और आंखों में कुछ संदेह का भाव था, जिसने रानी के हृदय को मत डाला। कैलाश के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। विवाह से लेकर आज तक वह अनेक प्रकार से अपने मन को समझाती आई है, पर आज उसका मन बुद्धि और तर्कों के जाल को तोड़कर पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर उठा। तभी उसने बालों पर किसी के स्नेहिल स्पर्श का अनुभव किया। क्या बात हुई भाभी, रो क्यों रही हो? पर रानी कुछ नहीं बता सकी, बस फूट फूट कर रोती रही। अपने अपमान, अपनी उपेक्षा की बात किस मुंह से कहती? शेखर ने अपनी जेब से अखबार में लिपटा हुआ कुछ निकाला और बोला, कल रात प्रदर्शनी देखने गया था, तुम्हारे लिए वहां से ये चूड़ियां और बिंदिया खरीद लाया हूँ। पर रानी थी कि रोती रही, आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। गर्मी बढ़ चली थी। चूल्हे के पास बैठने से रानी के दोनों गाल लाल सुर्ख हो गए थे। वह कमरे में बैठकर पंखी लेकर पसीना सुखा रही थी। तभी शेखर आया तो उसके गालों की सुर्खी देखकर वह एकटक उधर ही देखता रह गया। दिलो जान से इस दृष्टि का स्वागत करते हुए भी रानी ने कहा, यों क्या घूर रहे हो मुझे? शेखर मुस्करा दिया। जाने क्यों तुम्हारे गालों को देखकर मुझे गुलाब के उन फूलों की याद आ गई जो रोज़ सवेरे बगीचे में देखता हूँ। जब उन गुलाबों को देखता हूँ तब भी मुझे अक्सर तुम्हारे गालों की याद आ जाया करती है। चलो, बड़े बेहुदे हो तुम, भले आदमी ऐसी बातें नहीं करते, समझे? लो अब खाना खा लो। और रानी फिर चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेकने लगी। भाभी तुम मेरे लिए रोटी बनाकर रख दिया करो, मेरे खाने का कोई समय ठीक नहीं, नाहक तुम चौका लिए बैठी रहती हो। कौन मेरे पास बड़ा काम है, यूं ही तुम 3 रोटी खाते हो, ठंडी होगी तो शायद एक ही खाकर उठ जाया करोगे। दोपहर में जब रानी अपनी पड़ोसिनों के साथ बैठती तो उस बिल्डिंग के लोगों की टीका टिप्पणी ही उनका विषय होता। उस समय शेखर की प्रशंसा के पुल बांधते बांधते रानी अक्सर उस सीमा तक पहुंच जाती थी जहां पहुंचकर वह स्त्रियों की संदेह का कारण बन जाया करती थी। कैलाश को तो कुछ भी खबर नहीं रहती कि ऊपर क्या होता है, पर छोटी से छोटी बात में भी किसी बड़े रहस्य का उद्घाटन कर डालने को आतुर रहने वाला स्त्रियों का मन रानी और शेखर की घनिष्ठता से उदासीन न रह सका। पर बात अभी कानाफूसी तक ही सीमित थी।
आम आलोचना का विषय नहीं बन पाई थी। तभी शेखर ने एक दिन आकर बताया, मेरी जीजी आ रही है, जब तक वे रहेंगी तब तक तो मैं तुम्हें खाना बनाने के कष्ट से तो मुक्ति दे दूंगा। अरे, अपनों को खाना खिलाने में भी कोई कष्ट होता है? जीजी बेचारी थोड़े से दिनों के लिए आ रही होंगी और तुम उनसे रोटी सिखवाओगे, जीजी भी यहीं खा लेंगी। पर शेखर ने बात मानी नहीं। कैलाश इस अतिरिक्त खर्चे को बर्दाश्त नहीं करता और जीजी किसी के घर खाना पसंद नहीं करती। जीजी आई तो शेखर ने बड़ी तारीफ करके अपनापन दिखाकर रानी का परिचय करवाया। रानी ने बड़े प्रेम और आदर से उनके पैर छुए, स्वागत किया। दोपहर को दोनों बातें करने बैठी तो जीजी बोली, इस बार तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है कि शेखर को हाँ करनी ही होगी। बड़ा परेशान कर डाला हमें तो इस शेखर ने। 70 गुण तो एक लड़की में मिलने से रहे, फिर आदमी अपनी औकात भी देखे। पढ़ी लिखी होगी तो वह तुम्हारे घर क्यों आएगी भला? वह भी किसी अफसर ओहदे वाले को ढूंढेगी। और रूप की बात कहो तो ऐसी है कि चांद भी लजा जाए। तो इन्होंने पसंद कर ली लड़की? रानी के स्वर का उत्साह कुछ उतार पर आ गया था। अभी देखी ही कहाँ है, वह तो बस एक ही रट लगाए है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। पर तुम ही बताओ, बिना ब्याह